त्रिराजी के हाथ दो आर्टिकल पकड़े गए इंडिया में, वहां पे आई एसआई के खिलाफ छपे, वो काम यहाँ करती है आर्टिकल उसके वहां छपते हैं। क्या लिखा आप सारा आलम को बात करते हैं, वो जो हम जनप्रस्तों का यहाँ पे कंट्री हेड है आप उसकी जाके सपोर्ट करते हैं। भाट साहब आपने प्रेस क्लब को क्या बना दिया? हामिद मीर के प्रोग्राम की बहाली के लिए जो है वो मूवमेंट चलाएगी। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल प्रेस रिलीज मेरे हाल पढ़ी नहीं है। मैंने पढ़ी, उसका इंटरव्यू ये था। अगर मैं आपको अपने फोन से अभी प्रेस रिलीज खोल के दिखा सकता हूँ, मतलब आपका इस बात से कोई गर्ज नहीं प्रोग्राम बहाल हो या ना हो? तो ये पाकिस्तानी है या रा का ये जर्नलिस्ट है? मेरी आंखें खुली है ना, पढ़ के एक पर एक बात बनाए। मैं कल प्रोग्राम रखे बांग्लादेश के, बट सब आज बात मैं कल मुतरमा किसी से पेट लेकर अगर आप मुझे पकड़ फोन करोगे वहां जाकर आपके पास से फोन के तलक बात आप सुनाना चाहते हैं ना, तो मैं कराता हूं। मैं कल मुतरमा बात से लेकर आता हूं, बात करें मैं कल मुतरमा कमीशन रिपोर्ट लेकर आता हूं, देखे कितने जो कुछ उसमें जर्नल ने लिखा हुआ है। तो मैं जो हामिद मीर ने तकरीर की आपने करवाई वहां प्रेस क्लब में, फिर तो मतलब यही है ना, मैं उस तकरीर को भी इंडोज कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो, मैं फिर खड़ा करूंगा। आप हाँ। कहें ना कि आप उसको नहीं, आप कहना चाहते हैं इंडोज? नहीं नहीं, आप उस आप फौज के, आप फौज मुझे ये बताएं, आप अपने प्रोग्राम के लिए फौज को गालियां निकलवाना चाहते हैं, मुझे बताएं ये प्रेस क्लब किसका है? ये पाकिस्तानियों का है, ये रॉ के एजेंटों का है? मैं बार बार ये बात कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हामिद मीर वाले इशू पे जो तीन रुकनी कमेटी बनाई गई है उसने क्या करना है और उसने किन किन अमूर को देखना है, इस हवाले से स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अफजल भट्ट साहब। अफजल भट्ट साहब हमारे सीनियर रहनुमा हैं बल्कि साफियों के पीरों मुर्शिद हैं। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि मेरी एक टेलीफोन कॉल पर उन्होंने हमें वक्त दिया ताकि हम ये जान सकें कि ये तीन रुकनी कमेटी जो है वो क्या क्या पहलू इसके देखेगी। जनाब भट्ट साहब ये बताइएगा कि हामिद मीर साहब ने जो वहाँ पे तकरीर फरमाई अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की, तो ये कमेटी जो है ये इस बात का तयन करेगी कि उन्हें ऐसी तकरीर करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, या सिर्फ ये कमेटी उनकी बहाली के लिए उनके प्रोग्राम की बहाली के लिए काम करेगी? बहुत शुक्रिया मांगट साहब। एक तो ये है कि इस कमेटी के सामने सिर्फ हामिद मीर साहब का इशू नहीं है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान इस्लामाबाद के अंदर 51 केसेस ऐसे हुए हैं, किसी को थ्रेट किया गया है, किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई है, किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ है, ठीक है, हमने उन तमाम केसेस को भी देखना है। फिर ये है कि क्योंकि ये कमेटी जो है इसको इस्लामाबाद के दोनों बड़े जो फोरम हैं नेशनल प्रेस क्लब और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट दोनों के मुश्तरका इजलास में ये कमेटी बनी है, जिसमें हमने ये भी जायज़ा लेना है कि हमने ऐसे वाक़यात की रोकथाम कैसे करनी है, यानी इस किस्म की तकरीरों की, इस तरह के वाक़यात की नहीं, वाक़यात मतलब सहाफ़ियों के तशद्दुद के हवाले, सहाफ़ियों पे तशद्दुद हाँ। और फिर सहाफ़ियों की तरफ से जो तकरीर, फिर सोशल मीडिया पे होने वाली जो बहसें हैं उसके हवाले से ये कमेटी इन तमाम चीज़ों का अहाता कर रही है ताकि वंस फॉर ऑल हम देखें कि हमने इन सारी चीज़ों को। लेकिन भट्ट साहब जो प्रेस रिलीज आपकी तरफ से आई ना उसमें ये लिखा हुआ था कि ये कमेटी जो है हामिद मीर के प्रोग्राम की बहाली के लिए जो है वो मूवमेंट चलाएगी। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल प्रेस रिलीज मेरे हाल पढ़ी नहीं है। मैंने पढ़ी, उसका इंटरव्यू ये था। अगर मैं आपको अपने फोन से अभी प्रेस रिलीज खोल के दिखा सकता हूँ, मतलब आपका इस बात से कोई गर्ज नहीं प्रोग्राम बहाल हो या ना हो? नहीं, हम हामिद मीर की बहाली हमारा मकसद है कि हमने तो जियो के बाहर मुजाहरा भी किया है, जियो का माइक भी हमने उठाया है प्रेस क्लब से कि भाई आपने हामिद मीर ने तो, लेकिन वो तो बहाल है, उनकी तमाम मरात बहाल है, उनकी तनख्वाह बहाल है, सिर्फ उनका प्रोग्राम बंद किया गया है। और वो भी व्हाट्सएप में मादर के साथ चाहूँगा, बिल्कुल ये वही तक काम है जो मियां नवाज शरीफ ने परवेज रशीद के साथ किया, मुशाहिदुल्लाह के साथ किया, यानी ये सारी मिली भगत बिल्कुल अया हैं। नहीं, आपकी नज़र में एक रिपोर्टर को कहा जाए कि आपकी खबर नहीं छप सकती, आपका इंटरव्यू नहीं चल सकता, आपका प्रोग्राम नहीं चल सकता, बैठे रहे SDO बनके, तो एक जर्नलिस्ट की जिंदगी नहीं खत्म हो जाती उसके साथ? उसके लिए सिर्फ उस तरहा तो इशू नहीं होता जर्नलिस्ट का। नहीं, मुशाहिदुल्लाह साहब को पता था, परवेज रशीद साहब को पता था कि हमारे कायद का क्या हुक्म है, हामिद मीर को पता है कि मीर शकीलुर रहमान साहब का क्या हुक्म है, लिहाजा ये तो एक गठजोड़ है सारे का सारा। नहीं, गठजोड़ आपकी नज़र में हो सकता है, मैं ज़ाहिर है आपका अपना एक सोचने का अंदाज है कि हमारा तो ये है कि जियो को कोई हक नहीं पहुंचता था, हालांकि आप बहस को दूसरी तरफ ले गए हैं,
हमारी इस कमेटी का काम यह है कि इस मामले को समेटना, ठीक है। अब क्योंकि आपके सवालात ऐसे हैं कि आप जिस दारों को डिफेंड कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि मैं उनके ऊपर मजीद इल्ज़ाम भी लगाऊँ साथ साथ, ताकि बहुत सी चीज़ें जो लोगों के पास नहीं पहुँची वो भी उनके साथ पहुँच जाए। मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इस मामले को ख़त्म करने के लिए ये कमेटी बनाई है, तो इसलिए मैं ना तो उन इल्ज़ाम को दोहराना चाहता हूँ, नहीं तो, लेकिन बट साहब ये भी तो सच है ना कि हमारा नेशनल प्रेस क्लब जो है वो हाइड पार्क बन गया, वहाँ जो कभी तो वहाँ पे आ जाते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब ये आ गया कि जी मेरा माइक मेरी मर्जी, ये भी तो कोई दीन असूल है। नहीं देखिए, मैं नेशनल प्रेस क्लब है ही हाइड पार्क के, जिस आदमी को पूरी पाकिस्तान में किस जगह बोलने की इजाज़त ना दी जाए, हमारा प्रेस क्लब उसके लिए खुला है, वो आए अपनी मर्जी की बात करें। आप पर डिपेंड करते हैं, आप उसकी बात को पसंद करते हैं पसंद करें, आप उस पर तनकीद करना चाहते हैं तनकीद करें, आप उसको नापसंद करना चाहते हैं नापसंद करें। नहीं तो बट साहब देखें ना, जो मर्जी आए बंदा वहां पे आके तकरीर शुरू कर दे, देखें मस्जिद हो मंदिर हो माम बारगाह हो जो भी आए, उनकी हदूदों कयूद है, लेकिन हद होगी, ये तो प्रेस क्लब हमारा है, प्रेस क्लब के बाहर जो मर्जी। अब कोई बंदा आएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर देगा तो आप कहेंगे ये हाइड पार्क है जी शुरू हो जाए? नहीं देखिए, आज़ादी एक लिमिट के अंदर रहकर आज़ादी होती है, आज़ादी उसको बात करने की है कि अगर चीफ जस्टिस के किसी फैसले पर उसको एतराज़ है, अदालत के किसी फैसले पर किसी भी बंदे को एतराज़ है, तो उस पर गुफ्तगू करना उसका, उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि उस पर तबसरा भी करे उस पर एतराज़ भी करे। लेकिन अगर वो गाली निकालेगा तो उसकी हम उसको इजाज़त नहीं देते, गाली निकालने की तो किसी को इजाज़त नहीं। नहीं देखें आप व्हाट्सएप डिफेंड करते हैं अहमद मीर साहब को, मुझे आप कह रहे हैं इदारों को, हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं इदारों को डिफेंड करता हूँ और अपनी सहाफत को भी डिफेंड करता हूँ, लेकिन अहमद मीर वो शख्स है जिसने बांग्लादेश में बैठ के कहा कि जिन पाकिस्तानियों जो बांग्लादेशी हैं वहाँ पर मुकीम जिन्होंने पाकिस्तानियों की सपोर्ट की थी उनको फांसियाँ दी जाएँ और उनको फांसियाँ दी गई। फिर उसने पाकिस्तान में इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो जितने बम धमाके होते हैं ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां कराती हैं, लेकिन अब कुलभूषण तो पकड़ा गया, कुलभूषण कहता है सारे मैंने कराए, तो अहमद मीर अब कहाँ पे स्टैंड करते हैं? वहां जाके वो कहते हैं कि उनको फांसियां दे, फांसियां हुई, और यहाँ आके वो कहते हैं कि सारे धमाके हमारी एजेंसियां कराते हैं, तो ये पाकिस्तानी है या रा का ये जर्नलिस्ट है? देखिए ना, ये जो बात अभी प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर इतराजात के करने कर रहे थे, वो सारे इतराजात आप कर रहे हैं, वो तमाम इल्जामात जो किसी तहकीक के बगैर नहीं लगाने चाहिए। नहीं नहीं, वीडियो जो आप बात कर रहे थे अभी कि देखे ये किसी बंदे को राइट पहुंचता है कि वो प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर चीफ जस्टिस को गाली निकाले, उसको कोई हक नहीं पहुंचता, इस तरह आपको भी कोई हक नहीं पहुंचता। मुझे हक इसलिए पहुंचता है, ये पाकिस्तान हमारे माँ बाप ने कुर्बानियां देके बनाया, मुझे हक इसलिए पहुंचता है कि हामिद मीर अफगानिस्तान में जाता है तो वहां झूठ बोलता है, बांग्लादेश में जाता है वहां झूठ बोलता है, पाकिस्तान में होता है यहाँ झूठ बोलता है, मेरा नेशनल प्रेस क्लब उसका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है तो झूठ बोलता है। आप मेरी क्यादत, आप वहां खड़े हुए भट साहब, आपने भी उसका हाथ नहीं पकड़ा। मैं देखे ना, मैं बार बार आपसे कर रहा हूं कि जो इतराजात आप कर रहे हैं कि आपने उसको हाइड पार्क बनाया हुआ है, हाँ जी ठीक है ना, और वहां जो बंदा आता है अपनी मर्जी की बात करता है, आप भी एक ही सांस में सारी बातें वो कर रहे हैं जिन पर अभी एक लम्हा पहले आप इतराजात कर रहे थे। पहली बात तो यह है कि आज तक कोई एक चीज ऐसी ला दें कि हामिद मीर ने कहा हो कि जिन लोगों ने बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए काम किया उन्हें फांसियां दी जाए। वो वाहद आदमी है हामिद मीर जिसने उनके खिलाफ कालम लिखा, उसके खिलाफ बात की कि ये पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं आपको वीडियो दूसरा पहले मेरी बात सुन ले जरा। इसी तरह वारिस मीर साहब बहुत मुहतरम है, दुनिया से जा चुके हैं, उनके मतलब कि भी बेबुनियाद किस्म के प्रोपेगेंडा किए गए हैं। अहमद मीर साहब तो जो जिंदा है ना, उनके वाले साहब फौत हो चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कभी बांग्लादेश गए ही नहीं, उनकी जैली वीडियो बना के इस तरह चलाई गई है कि वो गए हैं और उन्होंने पता नहीं, नहीं अहमद मीर वहाँ पे गए। मैं अहमद मीर के वाले साहब प्रोफेसर वारिस मीर साहब की बात कर रहा हूँ। अहमद मीर तो वहाँ से तमगा लेकर आए, इसलिए बाकी अहमद मीर जो बातें करता है कि अफगानिस्तान क्यों बना बांग्लादेश क्यों बना,
तो जरा हम उत्तराखंड के एडमिशन बोर्ड अगर आप पढ़ लेना तो मेरा ख्याल है कि आपकी भी आंखें खुल जाएं। मेरी आंखें खुली हैं ना, पढ़ के एक पर एक परसेंट बनाए। मैं कल प्रोग्राम रखे बांग्लादेश के, कल रखे प्रोग्राम बंद है क्या बट सब आज बात मैं कल उत्तराखंड अगर आप जिम्मा फौज वहां जाकर आप सुनाना चाहते हैं तो मैं कराता हूँ। मैं कल उत्तराखंड लेकर आता हूँ, देखे कितने जो कुछ उसमें जर्नैल ने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो हामिद मीर ने तकरीर की आपने करवाई वहां प्रेस क्लब में, फिर तो मतलब यही है ना। मैं उस तकरीर को भी इंडोज कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो, मैं फिर खड़ू करूंगा। आप हाँ है ना क्या आप उसको नहीं, आप कहना चाहते हैं इंडोज? नहीं नहीं, आप उस आप फौज के आप फौज ये बताओ, आप अपने प्रोग्राम के लिए फौज को गालियां निकलवाना चाहते हैं। लिए हामिद मीर करता है रेटिंग के लिए, अफसर आलम करता है रेटिंग के लिए, आसमा शिराजी करती है रेटिंग की। आसमा शिराजी के आज दो आर्टिकल पकड़े गए इंडिया में, वहां पे आई एसआई के खिलाफ छपे, वो काम यहां करती है आर्टिकल उसके वहां छपते हैं। क्या लिखा आप अफसर आलम को बात करते हैं, वो जो हम जल से प्रस्तों का यहाँ पे कंट्री हेड है आप उसकी जाके सपोर्ट करते हैं। भट साहब आपने प्रेस क्लब को क्या बना दिया? मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे लीडर हैं, मेरे कायद हैं, मुझे बताएं ये प्रेस क्लब किसका है? ये पाकिस्तानियों का है, ये राह के एजेंटों का है? मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि देखे आप सिर्फ ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि तो मेरा दिल दुखा है। आपको इन बातों का मैं उसी तरह जवाब दूं जिस तरह आप ये बातें कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन मेरी एक जिम्मेदाराना पोजीशन भी है, कोई बात गैर जिम्मेदारी से नहीं करना चाहता, ठीक है? हर बात हम तहकीक के साथ करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी जो कमेटी बनी उसका मकसद क्या है, कि जो इस तरह के सोशल मीडिया के फोरम पर बगैर किसी तहकीक के तबसरे होते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो गालियां निकालने का एक ट्रेंड है उसको कैसे किस तरह रोकना है, ताकि कोई सो कॉल्ड जो खुद साख्ता फौज के तर्जमान बने हुए हैं, फौज की अल्हम्दुलिल्लाह फौज की, मैं पाकिस्तान का तर्जमान हूं, किसी फौजी ने नहीं कहा। मैं जो फौज के तर्जमान है वो फौज की बगलों में बैठते हैं, फौज की बगलों में बैठ के उनकी दाढ़ी मूंदते हैं, वो हामिद मीर है उनकी बगलों में बैठा हुआ नजर आता है। भट्ट साहब क्या बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। ये पाकिस्तान वारिस मीर ने नहीं बनाया, कैद आजम ने बनाया। मैं तो देखे मैं तो आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि जो खुद साख्ता तर्जमान बने हुए हैं पाक फौज के, जो अगर मुझे आप गाली देंगे तो मैं उसके जवाब में क्या करूंगा? वैसे मुझे बता, वैसे मुझे बात साहब मुझे मेरे इस बात का जवाब दे दे कि तमाम मजाहब ये कहते हैं कि आप किसी के झूठे खुदा को भी गाली ना दे, आपके सच्चे खुदा को गाली ना दे। मेरी बात सुन लें जरा, मैं आर्गूमेंट के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, जज्बात से हटके, ठीक है ना? तो मैं खुद साख्ता तर्जमान उनकी बात कर रहा हूँ कि जो बंदा एक लिखता है और वो फौज का नाम लेकर किसी को गाली देते हैं, उसका कोई दर्द आता है, वो फौज के खिलाफ बात शुरू करते हैं। फौज का इसमें क्या लेना देना है? भट साहब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, आप असद तूर का मामला ले आए, बिल्कुल ठीक है, उसको मार पड़ी, उसके मुलजमान पकड़े जाने चाहिए, मंजरे आम पे आने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोहतरमा मरीम नवाज का दरवाजा तोड़ा गया, जनरल बाजवा साहब तहकीक के बाद उन बंदों को सामने लेके आए जो हसास इदारे के थे, और उससे जनरल बाजवा साहब का कद बढ़ा। असद तूर वाले मामले में ये बंदे आने चाहिए, लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि असद तूर वाले मामले में हमने इतनी जल्दी की, इतनी जल्दी गोराबारी की कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि बात हम तहकीक के साथ, आप भी तो व्हाट्सएप आप तहकीक कर रहे हैं ना, तो क्या हमें पहले ये बात तहकीक नहीं करनी चाहिए थी? क्या असद तूर पर इल्ज़ाम नहीं है शफा यूसुफ़ज़ई पर, उसने जिनसी हमला किया? क्या शफा यूसुफ़ज़ई की दरख्वास्त FIA में नहीं है? क्या ये मामला अब हाईकोर्ट में नहीं है? उसका शफा यूसुफ जी को कौन इंसाफ देगा? असद तूर की वजह से हमारे पूरे मुल्क का चेहरा गंदा हो गया। भट्ट साहब क्या यह तहकीक हमारे प्रेस क्लब का काम नहीं है? नहीं, प्रेस क्लब ने इसमें क्या गलत किया है? वैसे असद तूर के मामले में, असद तूर के मामले में देखे शफा यूसुफ जई के ऊपर हमला करता है जिनसी वो दरखास्त देती है, क्या प्रेस क्लब का काम नहीं है ये तहकीक करे कि कहीं शफा यूसुफ जई के भाइयों ने तो नहीं ये काम डाल दिया? नहीं, हमने किसी पर इल्जाम लगाया? भट्ट साहब आपने फौज ही नहीं छोड़ी? ना 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 ना, वो क्या किया हमने? आप फौज की खैर खाई नहीं कर रहे? मैं आपकी कसम खैर, मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ। भट्ट साहब देखे, हमने ये कहा, देखे अगर आप पे अटैक होता है FIR लिखवाना आपका हक है ना? बिल्कुल ठीक है। असद तूर ने सिर्फ FIR लिखवाई है, क्या लिखा है उसमें? उसने ये तो लिखा कि मेरे ऊपर ISI ने अटैक किया है, मेरे ऊपर फौज ने अटैक किया है। उसने क्या कहा है कि बंदे मेरे कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने कहा कि हमें ISI ने भेजा, ये कहा ना? बिल्कुल ठीक है, मुझे मारते रहे, कहीं ये नारा लगाओ, ये नारा, ये उसने FIR लिखवा दिया। अब ये पुलिस का काम है
पुलिस प्रोब करेगी कि ये बंदे पकड़े गए हैं भाई, आप बताइए आपने इसे का नाम क्यों दिया। फिर हमें इंतजार करना चाहिए था ना बट साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें इंतजार करना चाहिए था ना, कि बजाय इसके कि हम अपने अदारों को बेगैरत कहते, बजाय इसके कि हम कहते तुम्हारा बाप उधर बैठा हुआ है, बजाय इसके कि हम ये कहते तुम्हारा फलां बाप ने ये किया, तो हमें इंतजार करना चाहिए था ना। एक शख्स आया और उसने आपके सामने आके, आप मौजूद थे, हमारे सदर जनाब शकील अंजुम साहब मौजूद थे, आपको पता है कि मैं इस ग्रुप में आपके साथ हूँ। बिल्कुल, तो बाट साहब ये काम वैसे जल्दबाजी में हुआ है या नहीं? वैसे मांगड़ साहब, मैंने पहले भी कहा है कि वो प्रोग्राम किसी टीवी चैनल पे नहीं चला था, ठीक है, उसका फिक्रा किसी टीवी चैनल में चला, आप जैसे जो हमदर्द है ना फौज के, उन्होंने यूट्यूब पर चलाया, किसी दूसरे बंदे ने नहीं चलाया। ये गालियों के जिम्मेदार वो दोस्त हैं जो अपनी तरफ से हमदर्दी करते हैं कि देखे ये देखे फौज को गाली निकाली जा रही है, भाई फौज को गाली निकाली जा रही है तो रोके उसको, आप फैलाते हैं पूरी दुनिया में और साथ बताते हैं कि फौज गाली निकाली जा रही है। मैं तो आप बाट साहब हमारे तारक विरिक्सा 34 माइक पकड़ के उनके सामने खड़े हैं, हामिद मीर को पता है कि ये सोशल मीडिया ग्रुप है, सोशल मीडिया का दौर है, और वो वहां पे ऑल फोर बक रहे हैं। मैं तो, मेरे तो आप काबिल एहतराम है, अल्लाह की कसम, वीडियो जितनी मैंने देखी मैं ये उम्मीद करता रहा कि बाट साहब माइक पकड़ेंगे, लेकिन बाट साहब आपने माइक नहीं पकड़े, मेरा दिल तोड़ दिया आपने। नहीं आप क्या देखें, आपके चूंकि मैं तो आपके जज्बात अपनी जगह बजा है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि देखें आप जो भी गुफ्तगू करते हैं आपका हक है, लेकिन आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आप दूसरे का इस्तेहकाक मजरू करते हैं, जहाँ आप दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, ठीक है ना। और हमने इस कमेटी का काम यह है, मैं आपको पहले बताया कि मैं कोई जज्बाती बात नहीं करना चाहता, क्योंकि देखें इदारों का, हम भी एक इदारा है, छोटा इदारा है, मीडिया को के साथ काम है, फौज एक इदारा है, ऐसे दर हमारे इदारे हैं वो, और इन मामलात पे, छोटे छोटे मामलात पे गलत फहमियाँ बाद अकात बहुत दूर ले जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत वस्त सिचुएशन है। आप जो कहते हैं, आप मुझसे सवाल करें कि ये कमेटी आपने बनाई क्यों है, आपने ये सवाल किया, मैंने शुरू में ये आपसे पूछा कि इससे पहले क्या था कि हमारा एक तजर्बा पहले भी हुआ, वो हमारा बलूचिस्तान का तजर्बा, मैं तमाम दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि 2012-13 में पूरा पाकिस्तान जानता है कि बलूचिस्तान की सिचुएशन बहुत ख़राब थी, वहाँ हमारे पास ज़ाहिर है हमारे इदारे हैं, अगर पाकिस्तान की बात होगी तो मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में, खतरात के बारे में पाकिस्तान की फ़ौज जानती है, पाकिस्तान के इदारे जानते हैं, और उन्होंने एजुकेट करना होता है जर्नलिस्टों को, पॉलिटिशियन को, पाकिस्तान के अवाम को। ये हमारी बदकिस्मती ये है कि कभी किसी मुल्क के सो कॉल्ड जो होते हैं ना तर्जमान फौज के, वो ये नहीं कहते कि सियासतदान क्यों गए थे जी फौज से मिलने के लिए, कि क्या वो इंडियन फौज से जाके मिलेंगे, क्या उन्हें अफगानिस्तान की फौज से जाके मिलना नहीं जब पता क्यों वो जब जरनैल अपना हलफ तोड़ के सियासत में आएगा तो मैं उसके खिलाफ तकरीर करूंगा, अब भी करूंगा, बिल्कुल ठीक, मैं बीएचओ के सामने जाके भी करूंगा, मैं हेडक्वार्टर के सामने भी करूंगा, लेकिन जो जो फौजी जवान सरहद पे खड़ा है मैं उसको खून का तिया भी दूंगा, मैं उसके लिए अपनी जान भी दूंगा। देखे इन दोनों चीजों को मिक्सअप ना करें प्लीज। नहीं नहीं, अच्छा मैं आपसे मुतफिक हो गया, जो फौजी अपना हलफ तोड़ेगा हम तकरीर करेंगे उसके खिलाफ, जन परवेज मुशरफ हो, यूब खान हो, मुझे बताएं जन कमर जवेद बाजवा साहब ने कौन सा हलफ तोड़ा, जन फैज ने कौन सा हलफ तोड़ा जो वहां पर तकरीरें हुई, बाट साहब वो बताए, वो तो फिर ओवर स्टेपिंग नहीं हुई वहां पे, ये किसके खिलाफ तकरीर हुई जो कमर जवेद बाजवा के लिया किसी ने किसी तो उसने किसका नाम लिया कि उसकी बीवी ने किसको गोली मारी। मैं आपको देखिए बार बार कह रहा हूं कि देखिए मैं बार बार मैं इस मौजू की तरफ नहीं आना चाहता, ठीक है ना, लेकिन अच्छा आप इस मौजू की तरफ ना, किसी का नाम नहीं लिया गया, और अगर किसी का नाम नहीं लिया गया और आप फौज के हमदर्द हैं तो इस वाकयात को मजीद फैलाने, लेकिन हमें सो कॉल्ड तर्जमान, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि सो कॉल्ड तर्जमान ना कहें, हम इस ये फौज जो है ना, अल्लाह की कसम मेरा बड़ा भाई फौजी रिटायर है, अल्हम्दुलिल्लाह जब जनरल ज़ियाउल हक ने इक्तदार पे कब्जा किया था, मेरे चचा ने, हमारे चचा ने कोड़े खाए थे, हमने तब भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, भुट्टो को फांसी लगी हमने तब भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, बेनजीर शहीद हुई हमने तब भी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं हुई, यहाँ ये यार क्या पीदी क्या क्या शोरबा, और यहाँ जनाब अली क्या दो डंडे पड़े, अभी तहकीक हुई नहीं और पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ दौड़े, कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चढ़ दौड़ा, अमीर ने क्या किया, नाम किसी को चढ़ दौड़ने देते हैं, मेरी बात सुन ले, मैंने पहले भी आपसे की कहा है, ऑनलाइन के एक दफ्तर पे अटैक हुआ आपके दफ्तर पे, हाँ जी, दो जर्नलिस्ट शहीद हो गए, बिल्कुल सही, मैं वहां गया, मैंने बंद कमरे में प्रेस क्लब में जाकर उनसे बात की, पहले हमें जाते नहीं थे, इधर बैठ के हमने टक स्टेटमेंट देनी थी,
फिर देखे उन्हें मार दिया गया। लेकिन जब गैप ख़त्म हुआ तो मैंने बंद कमरे में जाकर मीटिंग की, जिसमें हमारे मौजूदा पीएफसी के प्रेसिडेंट शहजादा ज़ुल्फ़िकार साहब भी थे, प्रेस क्लब के लोग थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये बताएं कि आपको शक किस पर है। उन्होंने कहा कि हमें फलां फलां तंजीम पे। मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई धारा मुलव्वस है और आप खौफ से उसका नाम नहीं ले सकते, मुझे बता दें, मैं इस्लामाबाद जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूँगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी इदारे पर कोई शक नहीं है। ठीक है, ये होता है जब आप गैप आपका फिल हो जाता है। अब यह है कि यहाँ भी ऐसी सूरत हाल मांगड़ साहब बनी हुई है। बार बार जो मुझे कह रहे हैं ना कि मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गया परसों तरसों, मैंने कहा डी साहब, ये जो वाक़यात होते हैं, अगर आप किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई वाक़या होता है, आप उसके घर चले जाएँ, SSP को उधर बुला लें, इलाके के SHO को बुला लें, उसका आधा गुस्सा कम हो जाएगा कि हाँ यार बताएं बंदे का रोलिया क्या था, क्या कह रहे थे, ये वो, ठीक है जी, हाँ जी SHO साहब आप जाएं ज़रा न लोगों के बनाए क्या बनाते हैं खाके बनाए जारी करें, ये करें वो करें, आधा तो हमारा शक दूर हो जाएगा। कि जब एक वाक़या होता है, DC वाकफ है साहब तमाम जर्नलिस्टों का, DC उसके घर नहीं जाता, SHO नहीं जाता, अदालतों में उसकी सुनवाई नहीं होती, तो अल्टीमेटली गलत फहमियाँ जन्म लेती। अच्छा बड़ साहब, आप ये बताएं, चूँकि जर्नलिस्टों के आप बड़े भाई हैं, जो बहुत जूनियर हैं उनके तो आप बाप की जगह पे हैं, शफा यूसुफ जई की जो दरख्वास्त है उस पे आप तहकीकात करवाएंगे ना? शफा यूसुफ जई ने हमें बताया, और मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि मुझे उनके डिस्प्यूट का भी कोई इलम नहीं था। और आपको यह भी पता है कि तूर एक जर्नलिस्ट है, उसका हक है, मेरा हमारा कितना मुखालफ है, जो जितना उसने हमारे खिलाफ लिखा है शायद शफा यूसुफ जई के खिलाफ भी ना लिखा हो। इसीलिए आपने उसका आधा मेडिकल करवाया बाट साहब, आपने वो उसके बाजुओं पे चोट लगी है वो तो करवाया। वो कहता है कि मैं एक मुलजम मेरी पुश्त पे सवार हो गया था, आपको उसका पूरा जिस्मानी मेडिकल करवाना चाहिए था कि कहीं उसके साथ जिंसी ज्यादती तो नहीं। वो देखिए, मैंने तो उसका मेडिकल नहीं करवाया, मेडिकल तो उसने खुद करवाया। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ कि शफा यूसुफ जई का उसका वाकया मुझे अभी 3 दिन बाद पता लगा कि भाई जब वो हमने मुजाहरा कर लिया, दूसरे दिन हमने मीटिंग की, उसमें किसी ने उठाया कि जी उसका शफा के साथ कोई झगड़ा हुआ है। इसलिए देखें अगर हमारे बार साहब, अब मुस्तकबिल में आपकी क्या प्लानिंग है? क्या इसी तरह हमारे प्रेस क्लब में खड़े होकर लोग उसको इस्तेमाल करते रहेंगे? और दूसरा, आपने कोई इस बात को जांचा है कि हामिद मीर ये भरे भराए क्यों आए थे? एक तो आप भी जरा हामिद मीर साहब के खिलाफ गुस्सा कम करें। मैं आपको हल्फन बताता हूँ एक बात, वो पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा कम नहीं, 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 वो कोई पाकिस्तान का खिलाफ नहीं है। एक तो प्लीज, ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट की फैक्ट्रियां पाकिस्तान से बंद होंगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मैं तो तस्दीक शुदा ये फैक्ट्रियां कुफर के फतवों की फैक्ट्रियां, ये पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता। अब सब ने मिलकर चलना है तो इस पाकिस्तान ने आगे चलना, और इंशाल्लाह ताला हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे। अच्छा, जो बात आप कर रहे हैं, अभी आपने क्वेश्चन किया था, क्या क्वेश्चन किया था आपने? मैंने पूछा कि यह मुस्तकबिल में भी हमारा प्रेस क्लब इसी तरह इस्तेमाल होता रहेगा कि एक शख्स आएगा और माइक के आगे खड़े होकर किसी इदारे को भी गालियाँ देना शुरू हो जाएगा? मैंने आपको पहले भी कहा है कि गाली देना किसी पर, मैं तो गद्दारी के इल्ज़ाम को भी बुरा समझता हूँ, मैं तो कुफर के फतवे को भी बुरा समझता हूँ, तो गाली तो किसी को देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ सामने आई है प्रेस क्लब के हवाले से। जी, जफर मलिक साहब ने मुझे बताया, सिंध का एक उसका जानने वाला साफी अगवा हुआ था, 3 महीने वो अगवा रहा। उन्होंने, वो कहते हैं मैंने अफजल भट्ट साहब से भी दरख्वास्त की कि उसके लिए एहतजाज किया जाए, लेकिन अफजल भट्ट साहब ने गौर नहीं किया। फिर उसके बाद मुझे कल मेरी इरफान मलिक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी मुझे सरेआम मारा पीटा गया, मेरे मुलजम आज तक नहीं पकड़े गए, प्रेस क्लब ने कोई एहतजाज नहीं किया। ऐसी बेशुमार मसलन अजहर नियाजी साहब हैं, उनको पिंडी में मारा गया, फिर उनके लिए भी कोई मुजाहरा नहीं हुआ। ये ख़ास लोगों के लिए मुजाहरा होता है और फिर ख़ास किस्म की तकरीरें होती हैं, ये इम्तियाजी सलूक कब ख़त्म होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई वाक़या बहुत कम होता है। आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान के किसी कोने में भी किसी के खिलाफ मुजाहरा हो तो RIU उसकी को उसको उसकी कॉल ज़रूर देती है, नेशनल प्रेस क्लब उसके साथ एसोसिएट होता है। तो खैबर से लेकर कराची तक जितने भी वाक़यात हुए हैं, अगर कोई इंटरनेशनल वाक़या भी होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। अगर किसी वाक़े पे कोई गलती हो गई होगी, मैं कोई हम इंसान हैं तो इस को दानिश्ता नहीं है वो बात। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, नाज़रीन भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी, मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ हमारा वैसे भी प्रेस क्लब में भी ज़रा ये भाइयों के दरमियान चलता रहता है लड़ाई झगड़ा भी, लेकिन मेरा अपना मौक़िफ़ है और मैं अपने भाई के सामने कहता हूँ कि जब तक हामिद मीर का किबला दुरुस्त नहीं होता, जब तक वो पाकिस्तान की बात नहीं करता, उस वक्त तक ना मैं उसको साहब कहूँगा और ना मैं उसके हवाले से अच्छी बात करूँगा, बल्कि उसके जो छुपे हुए लक्षण हैं वो मैं बार बार करता रहूँगा और सामने भी लाता रहूँगा। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।